जो ये नया लूनर चैलेंज आया है उसकी लाइफ पर बहुत ही आसान है। सबसे पहले मॉर्टल को डाउन करना है 3 बलून से, फिर फ्लेम को यहाँ 3 o'clock पे छोड़ देना है, यहाँ पे छोड़ना है, और इसको छोड़ के भूल जाना है। उसके बाद जाना है वार्डन के पास, वार्डन के पास जितने भी तुम्हारे पास बेड्स पे लेना है वो सब उस पर डाल देनी है, और पीछे उसके छोड़ देना है इलेक्ट्रोडगन क्लीन अप के लिए, और तुम्हें इंतज़ार करना है जब तक ये सारे डिफेंसेस डाउन ना हो जाए। सारे खतरनाक वाले डिफेंस डाउन हो चुके हैं, अब तुम्हें तुम्हारी आर्मी को डिप्लॉय करना है। सबसे पहले जितने भी सारे ड्रैगन हैं वो यहाँ 9 o'clock पे छोड़ देना, उसके बाद वार्डन को कर देना हवा में, हवा वाला एयर वाला कर देना, और वहीं पे किंग और क्वीन को भी डाल देना, साथ में डाल देना आइस गोलम को, और ये सभी डिफेंसेस को डाउन कर देगा धीरे धीरे। तुम्हें बस इंतज़ार करना है। अगर तुम चाहो तो यहीं पे वार्डन की एबिलिटी देकर बारबेरियन के बच्चे बचा सकते हो। मैंने तो यही किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पीछे डालनी है रॉयल चैंपियन को, ताकि वो डाउन कर सके टाउन हॉल को, और वहाँ पे हम दोनों इनवी यूज़ करेंगे उसको बचाने के लिए। पहली इनवी सबसे पहले यूज़ कर देते हैं, और ये दूसरी पर उससे पहले ही टाउन हॉल चला गया। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हम फ्रीज यूज़ करेंगे उन आर्थर टावर को, वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है। अपनी आर्मी बची हुई अभी भी, क्वीन के पास एबिलिटी है, अभी एक फ्रीज और डालेंगे। इसके बाद में कुछ भी नहीं बचा, ये सारी आर्मी और हम क्वीन की एबिलिटी दे देंगे और सारा बेस डाउन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप ये पूरा वीडियो देखें।